गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, मुझसे नहीं हो पा रहा है, सॉरी। सो या एज यूजुअल मैं इंट्रो पार्ट लेना भूल चुकी थी, सो या ये मेरी वॉइस से काम चला लो। सो यस, मैंने रिकॉर्ड किया था दिसंबर में, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे डाल ही दे, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है तो ऑब्वियसली मैं पुट करूंगी। सो या एंजॉय आवर वीडियो गाइज। आज हमारे यहाँ कैरोल और अभी तक कुछ भी डेकोरेशन नहीं हुआ, अभी 10 बज रहा है और रानिका है स्कूल। और मैं चलो ये ट्रायंगल वाला ही मुझे कंप्लीट करना है अभी, तो मैं अभी वही करूँगी। गाइज मानो ये पेंट कर दिया पूरा, बट मेरे को इसको फिनिशिंग देना है। यहाँ मैंने ऐसे छोड़ दिया पतला ब्रश से, मुझे ये करना है। और मेरे रोनी भैया आ चुके हैं, एग्ज़ाम दे के स्कूल गए थे वो कर रहा है अभी। एंड मॉम इज बिजी इन कपड़ा सुखाई बाहर जाके एक्सपोजर कितना गंदा होता है भाई। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हमारा टास्क है, 2 बज रहा है, हम लोग को कंप्लीट करना है। तो फोमो हो रहा है, 4 बज गया और अभी तक अभी स्टिल ऑन प्रोसेस, बस झालर लगे हैं अभी। ए भाई सब एक एक काम पकड़ो, मत काम शुरू कर दो। सही में मैं चाबी कंप्लीट कर रहा हूं, अंदर अब बाहर कुछ कर लगना नहीं। मैं बैलून वाला हो गया, और क्या करना है यहां पर? सामान हटाओ अगले से मोटा। ठीक है सामान, क्रिसमस ट्री तो अभी तक हुआ ही नहीं। अब मेरे को 5:30 बजे जाना है। हां ठीक है, ये हो गया। हां ठीक लग रहा है मम्मी। अरे 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 पापा तो बाहर का झाड़ा ही कर रहा है, झाड़ू लगे। अभी कपड़ा भी हटाना है हम लोग को। सबसे बेस्ट जो है वो स्टार है भाई इस बार का, मतलब कि डंडा जो पापा का प्लान था। नाइस, एक तो हम लोग अभी निकलना और ये स्टार नहीं जल रहा है, रॉनी अभी वही देख रहा है। और पापा हम लोग कैरोल पे निकल गए और हम लोग एकदम फट 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 से रेडी हुए हैं। और अंदर का डेकोर तो हुआ ही नहीं अभी तक, थोड़ा बहुत बचा है वो हटाना हम लोग को। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है और हमेशा इसी टाइम पे इसका बर्थडे रहता है जो मैं कैरोल घूमती हूँ, और अभी चारी का बर्थडे मिस हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं कल सेलिब्रेट करूंगी इसका बर्थडे। देखते हैं कल। हाँ ठीक है, कल देखना है, कल या मैं आई हुई कितना दिन हो गया, बट 2 ही दिन हुआ है, बट आज मिले क्योंकि कैरोल सिंगिंग में घूम रहे थे। इस दिन बड़े लोग नहीं है गाइस, हमें चेहरा खराब हो गया। मैं इतना देर से पता है फेस भी नहीं दिखा रही हूँ किसी को। दिखाई उसको दिखाई जाकर। हाँ दिखा। गाइस हम लोग अपने दोस्त को ले रहे हैं, इतना सारा ऑटो में सबके साथ आ रहे थे। आगे तो शर्म आ रहा है, चलो मैं का ऑटो चला। ये मत बोलना, ये मत बोलना कि तुम्हारे बैग में कॉपी किताब है। नहीं वो सब नहीं है, कपड़ा बदला है ना। गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं, हम लोग को ये काम करना है क्योंकि अभी पापा हम लोग कैरोल ही घूम रहे हैं, तो हमने सोचा हम लोग ये कर लें। और रॉनी को क्रिप का भी थोड़ा सा बचा,
कुछ है, लाइटिंग वो सही करना है। ये हो गया अब ये। ओह गॉड, मेरे को टाइम भी नहीं मिला पूरा लेने के लिए। हाँ गाइस, आज है सेकेंड डे। कल हम मेरे घर में कैरोल था, मेरे फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं कल उसके यहाँ पर अटेंड नहीं कर पाई। एंड आई नो मेरा पिंपल बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है, डोंट वरी, मैं उसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ जस्ट बिकॉज
यू नो बॉडी इशूज एज एंड ऑल इसलिए सो इग्नोर माई पिम्पल. सो आज मैंने डिसाइड किया कि कल उसका बर्थडे था तो बेसिकली मैंने वहाँ नहीं जा पाई क्योंकि मेरे यहाँ कैरोल था. तो मैं सोची हूँ कि आज मैं उसके पास जाऊँगी केक लेके एंड ऑल. सो येस मैं उससे कल मिली थी या बट ऑब्वियसली मैं अटेंड नहीं कर सकती थी उसका बर्थडे पार्टी एंड ऑल. तो मैंने आज सोचा कि मैं उसके लिए लेके जाऊँगी केक एंड ऑल और फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. येस सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ और अभी बज रहा है 6:30 एंड ऑल शाम के और मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ. वैसे लतखोर तो हुई मैं, ये सब काम तो मेरा चलता है. वहाँ रहती तो बज जाती है, अब यहाँ पर मॉम डैड और मॉम डैड नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली अब कल गैदरिंग है मेरे यहाँ पर. तो मॉम गई है कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ कैरल कॉम्पिटिशन उसका प्रैक्टिस के लिए और पापा गए हैं चर्च क्रिप प्रिपरेशन के लिए. अब मेरा भाई गया है सामान लेने के लिए बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ गया. वो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रहा है बेसिकली. यस और मैं अकेले हूँ. सो मैं अभी चाह रही हूँ. सो मिलते हैं आपको. सो मैंने केक मंगवा लिया रोनी से. एक ही काम जो ढंग का किया है. ये बहुत क्यूट सा केक है हार्ट एंड ऑल वाओ. यस सो ये रहा केक और मैंने चॉकलेट्स भी मंगाया है चार चॉकलेट्स एंड ऑल. सो हम जाने के लिए रेडी हैं. रोनी स्कूटी तो निकाल दो सब पैक और मैं जा रही हूँ स्कूटी से. इतनी ठंडी में भाई साहब एकदम चूमू बन के. देखो हम तुम्हारे केक लेके आए और ये देखो चॉकलेट. मैंने एक केक लाया लेकिन मुझे दो जो केक मिला. और कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा. बस हम रोए नहीं. हाँ तुमको रोना चाहिए था वरना रो देते हम. और मेरा नाइसी यहाँ पर बैठी थी मेरा रिएक्शन सो के उठी थी इसीलिए. नहीं सो के उठी तो बोले ना पिटिशन में एक और नया बच्चा आ गया है. बस तो थैंक यू बोले. ओह माय गॉड थैंक यू. अब बोले तेरा कि हम कल आएंगे. देखा अब साहिब पागल हो गए मेरा पिंपल देख के. कौन समझ सकता कोई नहीं तुम ठीक हो जाओगी. हां भाई देख रहे थे ठीक हो जाओगी टेंशन मत लो. सजेस्टेड बाय साहिब. दोस्त को सही करके इस बार भेजेंगे. एग्जैक्टली सबसे अवेटेड वाला मोमेंट था जो साहिब दिन भर कॉल करती थी कब आओगी कब आओगी कब आओगी. एक यही तो थी जब दिन भर कॉल करके पूछती थी मुझे कब आओगी कब. तुषार भी है बट उसके बाद ये नहीं ये नहीं पूछती थी. हम पूछते नहीं थे क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा होता था और मैं आधा साल तो एग्जाम ही देते रहती हर दो महीने में. एग्जाम एग्जाम सही में हर दो महीने में सिर्फ एग्जाम ही देते हैं. अभी मेरा फेवरेट चीज आने वाला है गाजर का हलवा. मैं पिछली बार भी आई थी तो हिना दीदी मेरे को गाजर का हलवा खिलाई थी और इस बार भी वो मैं फेवरेट चीज आई गाजर का हलवा. चलो हम लोग गॉसिप करने जा रहे हैं. चलो दोस्त हम आपको बाय करते हैं फिर मिलेंगे. और तुम्हारे ब्लॉग में हमेशा तुम इससे चिपक ही क्यों जाते हैं? गलत मत समझना प्लीज. नहीं क्योंकि हम लोग यार अच्छे वाले आप लोग हम लोग के इमोशंस को नहीं जाने. नहीं तुम नहीं जो जो इंसान दिन भर सिर्फ हम लोग साथ में रहते थे कुछ भी बहाना लोग ढूंढते थे कुछ भी अगल बगल घर यू नो अगल बगल आमने सामने दिन भर सिर्फ एक दूसरे के घर पे रहने वाला आदमी लोग जब एकदम अलग हो जाएगा तो फिर एकदम अलग हो जाएगा तो क्या ही समझिए आप लोग डिप्रेशन में चल जाएगा. हम लोग चल जाएंगे. यस तो हमें मिलते हैं आप नेक्स्ट प्लान करते हैं उसके बाद मैं आती हूँ वहाँ से घूम के उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे तब तक हम लोगों को आप मिस मत करिएगा. मुझे मिस मत करिएगा. नैन्सी को तो देखते रहेंगे आप. एग्जैक्टली बाय. सो गाइस अब मैं जा रही हूँ मम्मी लोग के पास. मम्मी लोग प्रैक्टिस के आए हैं कैरोल के लिए तो यहाँ तक आवाज आ रहा है देखती हूँ.